नमस्कार दोस्तों, आपका ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको धतूरे के फायदों के बारे में बता रहा हूँ। धतूरा आपने सर्वत्र देखा होगा। यह पौधा 2 से 5 फीट ऊंचा होता है। इसकी 4 प्रजातियाँ होती है, सफ़ेद धतूरा, लाल धतूरा, पीला धतूरा और काला धतूरा। सफ़ेद धतूरा सर्वत्र देखा जाता है। यह है सफ़ेद धतूरा। इसके ऐसे फूल आते हैं, ये इसके पन्ने हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये धतूरा है। धतूरे के फूल शिवजी को बहुत प्रिय होते हैं। धतूरे को आयुर्वेद में 7 उपविषों में से एक माना गया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने से कई बीमारियों को दूर किया जाता है। आइए जानते हैं धतूरे के फायदों के बारे में। गंजापन, बाल झड़ना और सर में जुई को दूर करने के लिए धतूरे के पत्तों का रस निकालकर लगाने से या धतूरे से सिद्ध किया हुआ तेल जो पंसारी या आयुर्वेद की दुकान में मिलता है, इसको लगाने से गंजापन, रूसी और सिर में जुई खत्म हो जाती है और गंजापन की शिकायत से छुटकारा मिलता है। दूसरा, इसका उपयोग जिन माताओं और बहनों को दूध बढ़ने के कारण स्तन में गांठ होती है, इसके लिए धतूरे के पत्तों को स्तन पर बांधने से गांठ नष्ट हो जाती है और सूजन दूर होती है। बवासीर में इसका अच्छा प्रयोग है। बवासीर में इसके पत्ते और फूल को जलाकर इसका धुआं लेने से बवासीर में फायदा होता है। जिन माताओं और बहनों को गर्भपात होता है, इन माताओं और बहनों को धतूरे की जड़ को धागे से कमर में बांधने से गर्भस्राव रुक जाता है और गर्भधारण होने में फायदा होता है। धतूरा का ज़्यादा सेवन करने से पागलपन आता है, इसलिए धतूरा का उचित मात्रा में उपयोग करने से फायदा देता है। धतूरे के रस को तिल के तेल में पकाकर जोड़ों के दर्द में लगाने से जोड़ों का दर्द और गठिये की शिकायत से छुटकारा मिलता है और इसके पत्तों को गर्म करके दर्द वाले स्थान पर लगाने से धतूरे के पत्ते बांधने से गठिया, जोड़ों का दर्द खत्म होता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे ही नए नए योग, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के वीडियो को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल ब्रह्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो।